उत्पल सच सच बता, तुझे अजय उस लड़की के बारे में पहले से पता था ना? कैसी बात कर रहा है यार, अगर मुझे उसके बारे में पता होता तो सबसे पहले मैं घर पे बताता ना। ना मुझे उसने कुछ बताया, ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता है। बस उसको रात को फोन आते थे इतना पता है, अब किसके आते थे ये नहीं पता। वो जो कुछ भी है, लेकिन अजय भैया ने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की कैसे। अरे यार, हो गई गलती, ठीक है ना? और अब नहीं पता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है, जरूर कोई ना कोई मजबूरी होगी। देख लेना, अजय की आंखें देखी थी तुमने? भाई है वो हमारा, मम्मी पापा के साथ वो कभी धोखा नहीं कर सकता। हाँ मिश्री, मैं सब समझती हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह हो सकती है? वजह जो भी हो, गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती। अपनी मामा मामी जो भी दिया है ना, किसी के भी पेरेंट्स अपने सगी बच्चे को नहीं दे पाते। नहीं, अजय ने सिर्फ गलती नहीं की, उसने मामा मामी को धोखा दिया है। एंड आई कांट एक्सेप्ट दैट। कहाँ थी तुम? कब से वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। प्लीज डोंट गिव मी द रीजन कि तुम उस बेवकूफ लड़की से बात कर रही थी। टेल मी। शिन, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी जिससे तुम हर्ट होगे? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, दादी ने उस लड़की को घर में रहने के लिए अलाउ कैसे कर दिया? तुम्हें याद है ना, संगीत सेरेमनी कैसे उसने स्पॉइल की थी? उस कमली ने बेशरम की तरह डांस करके सबको एम्बैरेस किया था उसने। और उस लड़की को दादी ने घर में रखा, बहू का दर्जा दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, तुमने ऐसा क्यों किया? दादी क्या सोच रही थी? क्या हो रहा है ये सब कुछ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। रिलैक्स, आओ इधर आओ। भूषण, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, और क्यों ना हो, कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को इस कंडीशन में देखेगा तो तकलीफ तो होगी ना। मैं पूछ, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। अब हमारी शादी के वक्त तुमने मुझे तब तक हाँ नहीं कहा था जब तक तुमने मम्मी पापा से बात नहीं की थी। उन लोगों ने तुम्हें परमिशन नहीं दिया था। अजय तुमसे बहुत अलग है, उसने एक बार भी नहीं सोचा मामा मामी को कितनी तकलीफ होगी। लोगों के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। बदल गया है। जिस अजय को मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं था। अपनी पसंद के लिए वो मम्मी पापा ने जो कुछ भी किया उसके किए धराए पर पानी फेर दिया। उसने मां का हाल देखा है? उसने टूट गई है वो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनकी खुशी की परवाह किए बिना सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। जो इस घर की नींव है, सबका सहारा है, टूट गई है वो। खुशी, बेबी सुनो, आप हिम्मत मत हारो।
मम्मी को मैं इस हाल में नहीं देख सकता, मुझे उन्हें सच पता नहीं होगा। मामी आप रियली सॉरी, एक बार सुन तो लीजिए मैंने ऐसा क्यों किया। नहीं अजय, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या किया मुझे कुछ नहीं सुना। तुम अब जाओ यहां से। पापा जी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। अजय वजह समझाने का टाइम चला गया, अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ तुम, हमें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। प्लीज फोन उठा, मुझे तुमसे अभी बात करनी है प्लीज। तुम कहाँ हो तुम? तुम्हें खुशी मिल गई, कर दिया जो करना था। मैंने क्या किया? इतना इनोसेंट मत बनो सचिन, तुम हमेशा से मुझसे बदला लेना चाहती थी ना, आज ले लिया। तुमने मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी फैमिली से मुझे अलग कर दिया। तुमने एक झटके में मेरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी, सब कुछ खत्म कर दिया, एवरीथिंग। अच्छा तुम्हें लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया? मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर। तो तुमसे बेटर कौन जान सकता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, पर मैं ऐसे क्यों करूँ? Just shut up। मुझे भी एक गलत फैमिली थी। अगर तुम मच्छू से इतना प्यार करती ना, तो ये सब होने नहीं देती। जो मेरे परिवार को अपना मानता है। अजय, प्लीज मेरा यकीन करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पापा को नहीं बताया। हाँ एक फोन आया था। बस बंद करो अपना यूजुअल नाटक। आज तुम्हारी स्वागत है ना, तुम आओ ना, तुम्हें तो बहुत खुशी होगी ना। मेरी जिंदगी की सबसे काली रात है, द वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ। मेरी फैमिली, मेरी लाइफ लाइन, उन सबसे मेरा कनेक्शन टूट गया। मैं आज अपनी फैमिली की नजरों में इतना गिर गया हूं, इतना गैर हो गया हूं कि कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं चाहूं भी तो उन्हें कुछ नहीं बता सकता, कुछ मामला पूरा बिगड़ चुका। अजय ट्रस्ट मी, करने गया था तुम्हारी हेल्प और बर्बाद अपनी जिंदगी कर ली। मुझे मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सबको समझा दूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है। तुमने मेरे और अज्जू की मदद की और तुम खुद इसमें फंस गए। संजना बस, तुम गेट इट, ऐसा कुछ मत करना। ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है। अच्छा
अगले 6 महीने तक जब तक अज्जू अपनी ट्रेनिंग से वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगी, और जब वो वापस आ जाएगा तब सबको सच पता चल जाएगा। अभी किसी को बताने का कोई फायदा नहीं, सबको यही लगेगा कि मैंने तुमसे कुछ कहने को कहा। प्लीज मुझे बताने दो ना, अगले 6 महीने तक मैं नहीं चाहती कि सब तुम्हें गुनहगार समझे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो सिंपति अपने पास रखो, ये मेरा पर्सनल मैटर, तुम इसमें मत पड़ो। तुम अपने रास्ते और मैं तुझे मेरी बात मुझे एक बार सबसे बात करने दो ना, मैं नहीं चाहती पूरी फैमिली तुम पे गलत इल्जाम लगाए। प्लीज अजय बस एक बार मैं सब ठीक कर दूं। क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं सुनना। ओके तुम्हें क्या लगा मैं जमीन पे सोऊंगा? गुड मॉर्निंग। भाभी मैं कोई मदद कर दूं? मिश्री मैं सबसे पहले सुबह सुबह मामी जी उठ जाती है, आज उनका दरवाजा तक नहीं खुला। उनकी तबीयत ठीक है कैसी है कुछ पता नहीं कल से। मेरा और इलायची का नाश्ता कमरे में ले आओ। पापा आप रुकिए। पापा बचपन से लेके आज तक जब कभी हम बच्चों में से किसी ने भी गलती की
तो आपने हमें सजा दी है, सिवाय सजे के आपने और मम्मी के उसके उसकी हर गलती को माफ किया है, ये सोचकर कि ये छोटा है, बच्चा है। लेकिन पापा, आज इसने जो गलती की है ना, इसने हमारे परिवार की खुशी छीन ली है। तू क्या वहां आंसू बहा रहा है? ये झूठे आंसू कहीं और जाके बहा। परवाह होती ना मम्मी पापा की, तो तू कोर्ट में बैठकर अपनी शादी नहीं रचा रहा होता। पापा, अगर किसी को यहां से जाना चाहिए तो अजय और इस लड़की को जाना चाहिए। अजय, अभी इसी वक्त इस लड़की को लेकर इस घर से निकल जा। नहीं मां, बहुत हो गया, चला जा अजय। आई सेड गो। रुकिए भूषण भैया, तुम चुप करो संजना। मुझे बोलने दो प्लीज, ये जो कुछ हुआ और अब सबको जो कुछ भुगतना पड़ रहा है, ये सब मेरे वजह से, सब में अजय की कोई गलती नहीं है, सबकी जिम्मेदार मैं हूं, तो सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए, अजय को नहीं। संजना, मैंने कहा। अजय, आवाज नीचे। हमी जी, आज तक मैंने इस घर को बस बाहर से देखा है, पर हमेशा एक साथ और खुश देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे एक गलती की वजह से अजय को सजा मिले, उसे बुरा और गैर समझा जाए, उसकी कोई गलती नहीं। शादी के लिए दो लोग जरूरी होते हैं, तो गलती दोनों की हुई ना? अगर गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को ही मिलनी चाहिए, और यही इस परिवार का नियम है। तुम आओ मेरे साथ। तुम्हें सजा चाहिए ना? क्यों? ताकि हम सब तुम्हें माफ करें। माफी पाना इतना आसान नहीं है संजना। तुम्हारे किए की वजह से ना सिर्फ मुझे और अजय के मामा जी को तकलीफ पहुंची, बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ पहुंची। तुमने कितनी गलतियां की हैं तुम्हें तो पता ही है, गिनवाने की जरूरत नहीं है ना? इसीलिए तुम्हें तभी माफी मिलेगी जब इस परिवार का हर एक सदस्य तुम्हें अपनाएगा। संजना, जो भी तुम्हें माफ करेगा वो आकर इस तुलसी के पौधे पर मौली बांधेगा। जिस दिन तुलसी के पौधे पे सबके धागे बंधे होंगे, मैं भी अपना धागा बांध दूंगी। लेकिन तब तक मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। पता नहीं तुम्हें अजय ने बताया है भी या नहीं, लेकिन हम सब एक परिवार है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन तुम दोनों की हरकत की वजह से इस सोच पर खरोच आई है
जब तक पूरा परिवार तुम्हें नहीं अपनाता, ना तो तुम्हें कोई सजा मिलेगी और ना ही माफी।